हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चक्रवर्ती बर्ड फार्म। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब था और छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था, कॉलर बोन पे बहुत चोट लगा था, इसलिए मैं बहुत दिन से आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा छोटा जो फ्रेंच ग्रुप का बर्ड है, वो लोगों को सभी बर्ड को हमने नेस्ट बॉक्स बहुत दिन आगे ही खोल दिया था, खोल के रखे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स, तो इसलिए नेस्ट बॉक्स को खोलना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे, अभी इस टाइम थोड़ा सा एक हल्का सा मॉन्स का वो लोगों को ट्रीटमेंट हम कर देंगे, क्योंकि बरसात का मौसम में फिर से हम ये लोगों को नेस्ट बॉक्स देंगे। तो नेस्ट बॉक्स देने से आगे 2 महीने आगे उसको मॉन्स का दवा दे देना चाहिए। तो आज जो मॉन्स का दवा दूंगा वो क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, सोचा आज वही आप लोगों के साथ मैं वीडियो बना के शेयर कर दूँ। और मेरा पूरा जो बर्ड जो पूरा जो फार्म है, तो पूरा फार्म का एक बार नज़ारा भी आज आप लोगों के साथ हम ज़रूर वीडियो बना के पेश करेंगे। चलिए फिर वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 लीटर पानी ले लिया, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 लीटर पानी है। और पानी के साथ जो हम आज मॉन्स का दवा देने वाले हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो और कोई मॉन्स का दवा इस टाइम पे चलेगा नहीं है लोगों को। तो मेरे हिसाब से जो एकदम नॉर्मल वाला जो वेटनरी प्रोडक्ट है पाइपरजिन, ये देखिए ये वेटनरी प्रोडक्ट पाइपरजिन है। तो ये पाइपरजिन बहुत अच्छा है, तो और इसका डोजिंग भी बहुत लाइट है। तो यही मेडिसिन आज हम अपने बर्ड को हम प्रोवाइड करेंगे। तो और फ्रेंड्स, इसको पहले हम ओपन कर लेंगे सील को, और ओपन करने के बाद ये जो कंटेनर है, इससे ये जो 5 ml 4 लीटर पानी हमने इसके अंदर लिया है, तो हम 4 लीटर पानी में 5 ml इसको हम देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है 5 ml और ये है 4 लीटर पानी। 4 लीटर पानी के साथ हम 5 ml एम मॉन्स का दवा मिला देंगे, क्योंकि बहुत हल्का सा डोज हम लोगों को करना है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसको हम बहुत अच्छी तरह से देने के बाद इसको हम घोल लेंगे। घोल लेने के बाद हम बर्ड को प्रोवाइड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये है मेरा पूरा फार्म का जो नज़ारा। कुछ नेस्ट बॉक्स में अभी तक डायमंड स्पैरोट का कुछ चिक्स था, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डायमंड का चिक्स है, ठीक है। और इसलिए मैंने नेस्ट बॉक्स अभी तक सभी नेस्ट बॉक्स को खोला नहीं है। यहाँ पे वो जो मेरा सिल्वर डायमंड स्पैरोट है, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिल्वर डायमंड स्पैरोट, और 2 ब्लैक है, वो भी स्प्रिट लाइन का ब्लैक है। और पूरा फार्म का जो नज़ारा फिर से एक बार आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ बंगाली सोसाइटी फ्रेंचेस का भी चिक्स है, और यहाँ पे सभी फ्रेंड्स बर्ड को मॉन्स के जो दवा है वो प्रोवाइड चल रहा है। अभी पानी के साथ जो दवा हमने मिलाया था वही पानी आज बर्ड को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से बूबू ने इसको प्रोवाइड कर दिया। बहुत जल्दी पानी दे रहे हैं, अभी तो इसको सुबह सुबह देना चाहिए, धूप आ जाने के बाद मॉन्स का दवा देना ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो इस साइड का भी थोड़ा बहुत जो नज़ारा है वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ सिल्वर डायमंड स्पैरोट का चिक्स से ये भी कलर आ चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिल्वर डायमंड स्पैरोट का चिक्स है, और यहाँ पे आउल भी, जो मेरा आउल ब्रीडिंग के लिए नेक्स्ट ईयर में रखा था, वो आउल का भी चिक्स है यहाँ पे। और सभी बर्ड को हम पानी देने के काम शुरू हो गया,
और बहुत अच्छी तरह से पानी को प्रोवाइड कर रहा है और बहुत क्विकली पानी दे रहे हैं। और ये देखिए इस साइड में जो मेरा बंगाली सोसाइटी फ्रेंड है, इस सब केज में कोई बर्ड नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए टुकड़ी लगा हुआ है। अभी तक मैंने तबीयत ख़राब था इसलिए मैं ऊपर नहीं आया, तो ये लोगों को आज खोल देना होगा नेस्ट बॉक्स को। और यहाँ पे मेरा वो पुराना वाला जो ब्रीडिंग वाला जो डायमंड पैरोट है, वो डायमंड पैरोट का जो मदर पेयर है, और यहाँ पे मेरा सिल्वर डायमंड पैरोट का एक मेल मैंने रख दिया हूँ। इसका जो फीमेल, मैंने फीमेल को सेल आउट कर दिया क्योंकि इस साल में मैं बहुत सारा सिल्वर डायमंड पैरोट कलेक्शन किया हूँ और उसका फीमेल मेरे पास ज़्यादा है, और वही फीमेल के साथ इसको हम जोड़ी लगाएंगे। देखिए कि ये इतना बड़ा जो सिल्वर डायमंड पैरोट है, ये जो ब्लड लाइन मैंने बाहर से लेके आया था, ये ब्लड लाइन इधर का नहीं है। ये देखिए क्लोज रिंग भी लगा हुआ है। इतना बड़ा डायमंड पैरोट मिलना बहुत कम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यही ब्लड लाइन और इसको हम सही करने के लिए, इसको जो जेनरेशन है इसको हम पकड़ के रखने के लिए। तो इसका जो ब्लैक जो फीमेल था, वो फीमेल को मैंने सेल कर दिया, और इस साल में जो नया फीमेल तैयार हो रहा है, अभी भी छोटा है, तो तैयार होने के बाद उसको हम इसके साथ जोड़ी लगाएंगे फ्रेंड्स, यही सोच के रखा हूँ, तो देखा जाए। और यहाँ पे ये देखिए अभी भी बंगाली सोसाइटी फ्रेंड्स का चिक्स यहाँ पे है, उसके मदर पेयर के साथ एक बंगाली सोसाइटी फ्रेंड्स का चिक से इसको अलग नहीं किया हम लोग अभी तक, तो ये लोगों को भी अलग करना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाए फ्रेंड्स। और आप लोग भी सेफ रहना, और अभी जो कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है उस वजह से आप लोगों को भी सेफ रखना है, अपना परिवार को भी सेफ रखना है, तो सभी सेफ रहिए, खुश रहिए और आनंद रहिए। चलिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।